हे गाइस, वेलकम टू जिमी एंड मॉमी। और आज हमारे यहाँ बना है ये लजीज सा चना मसाला, मार्केट स्टाइल, ढाबा स्टाइल। और इसको आज बनाने जा रहे हैं जिमी की मम्मी नहीं, जिमी के पापा। तो चलिए ओवर टू जिमी के पापा और आगे आप देखिए रेसिपी कैसे बनाते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे। खा के आपको मज़ा आ जाने वाला है। बने रहिए वीडियो में और पूरा वीडियो देख के ही जाना। ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू जिमी एंड मॉमीज चैनल। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बना रहा हूँ आज जो है चना मसाला। वाह, अब इसमें मैंने क्या किया है, ऐसी जो है दो कड़छी भर के मैंने इसमें तेल डाला है। उसके अंदर मैंने जो है जीरा, अजवाइन और खड़े गरम मसाले, दालचीनी, तेजपत्ता वगैरह जो भी वो डाला है। मैं क्या शुरू से मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया रेसिपी को, फिर इसके लिए सॉरी। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, तेल डालने के बाद में जीरा अजवाइन डाली, जीरा अजवाइन डालने के बाद में फिर खड़े गरम मसाले, ये दालचीनी वगैरह कुछ दिख रही है, तेजपत्ता वगैरह, इसको डाल दिया। फिर मैंने साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया प्याज। अब प्याज के साथ में फिर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया। ये इसकी जो सीक्रेट रेसिपी है मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरीके से बनाएं चना मसाला तो बहुत ही गजब का जो है बनेगा। अब मैं प्याज को सेक रहा हूँ और प्याज को इस तरीके से सेक रहा हूँ कि जैसे ये ब्राउन हो जाए। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भूल गए हैं ये जो छोले हैं, चने हैं, छोले मतलब काबली चने, अगर आपने ये भिगोए नहीं है तो आप इसे जो है उबाल सकते हैं। एक घंटे तक आप एक तेज फ्लेम पे जो है इसको कुकर के अंदर मैंने इसे जो है उबाल लिया था और एक सीटी लगने के बाद में एक घंटा तक इसको रेस्ट करवाया। एक घंटे के लिए आप इसको भिगो के उसमें जो है रख सकते हैं, भिगो के मतलब कि इसमें स्टीम में रख सकते हैं कुकर के में। फिर तो इसके बाद में जो है मैंने टमाटर की प्यूरी जो है बना ली है और साथ ही साथ ये है धनिया और बहुत ही गजब का चना मसाला, रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल, इमीदा एंड जिमी एंड मॉमी स्टाइल आप देख सकते हैं इस चैनल के ऊपर। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो मैं बता रहा हूँ वादे के मुताबिक, मतलब अगर आप चार रोटी खाते हैं ना तो छह रोटी आप खाएंगे, छह नहीं यार आठ खा लोगे, दस खा लोगे यार, मतलब क्योंकि इतना टेस्टी आने वाला है ना। अगर फोन में से अगर वो अगर किसी की मतलब जैसे इसकी खुशबू अगर आ सकती है ना आपको, तो आपके मुँह में पानी पानी हो जाता, क्या बात है दोस्तों। इसमें बनाने के लिए जो थोड़ी सी मेहनत जो है लगती है, लेकिन इसको जो है प्याज को आप अच्छे से जो है इसको भूनिए, ये ब्राउन होना चाहिए। अभी ब्राउन नहीं हुआ है ना, अभी ये ब्राउन नहीं हुआ है ना, इसको ब्राउन करना है ना। थोड़ी सी मेहनत कर दोगे ना अगर, इसलिए बन जाएगा। महज ये सिर्फ उबालने में टाइम लगता है, एक घंटा इसको रेस्ट कराना होता है, बाकी जो इसका काम है 15 से 20 मिनट में इसका हो जाता है और फिर तैयार हो जाता है रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही गजब का चना मसाला, ऐसे जो है ऐसे तेज फ्लेम के ऊपर आप इसे प्याज को अच्छे से सीखते, क्योंकि प्याज सीख जाएगा मतलब कफ नहीं करेगा पूरा। और ये इसकी रेसिपी मतलब वो बता रहा हूँ, किसी को दिक्कत हो, किसी कोई प्रॉब्लम हो कि भाई तबीयत खराब है, कफ हो जाता है ना प्याज से, तो प्याज को अच्छे से सीखोगे ना हर सब्जी में तो फिर कफ वाली प्रॉब्लम आपकी कभी ज़िंदगी में नहीं होगी दोस्तों। इसको 6 से 7 मिनट में जो है ये ब्राउन हो गया है बिल्कुल। अब इसमें जो है अपन ऐड करेंगे ये है लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का जो चॉप किया हुआ पेस्ट, इसमें जो है इसको ऐड कर देंगे। और ये जो चीज़ है ना बहुत ही गजब की चीज़, भाई साहब इसमें क्या जो है क्या महक आ रही है, क्या इसमें खुशबू आ रही है, सच बता रहा हूँ मतलब बहुत ही गजब की जो है इसमें खुशबू आ रही है। एक कैमरा जो है ना भाप से थोड़ा सा तो हो जा रहा है, बट ये ब्राउनिश हो गया है। जो ढाबे में आपको चाहिए ना स्वाद, जो ढाबे वाला जो रेस्टोरेंट वाला जो स्वाद आप मांग रहे हैं बड़े बड़े होटल्स वाला, तो तेज फ्लेम के ऊपर इसको चलने देना है काम को, जब तक कि मैं इसे नहीं बोलूँ। इसमें ना खड़े मसाले पूरे डालना आप, है ना, लौंग वगैरह, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, जो जैसे रेसिपी बताइए ना वैसे उस तरीके देखते जाओ। तो दोस्तों एक से जो है 1.5 मिनट के अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को पकाने के बाद में इसको मैंने गैस में थोड़ा सिम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे अपन हल्दी, धनिया, मिर्ची और गरम मसाले का पाउडर, जैसे भी आप खाते हैं मिर्ची, अगर ज़्यादा खाते हैं मीडियम खानी चाहिए मिर्ची, ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए, हिसाब से खाना चाहिए। इसको एक दो बार घुमाया, तेज करा, मसाला पका और ये जो है हल्दी, धनिया, मिर्ची और गरम मसाला, चना मसाला भी आप इसमें जो है यूज़ कर सकते हैं। हमने चना मसाला यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमें चना मसाले के साथ गरम मसाला का टेस्ट अच्छा लगता है, और आपको जैसे कि चना मसाला अच्छा लगे तो आप चना मसाला भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों ये टमाटर की प्यूरी है, जो मसाला पक गया है ना, पाउडर था, उसमें पानी नहीं था, अब इसमें हमने इसको ऐड कर दिया है।
ये टमाटर जो हमने लिए थे 10 से 12 टमाटर, इसका पेस्ट हमने इसमें डाला। वाह, आप महसूस कर सकते हैं कि क्या स्वाद इसका आने वाला है। और ये जो थोड़ा थोड़ा जो है प्याज ब्राउन हुआ है ना हल्का हल्का, ये जो है ना ये बहुत ही कयामत लाने वाला है सब्जी में, गजब का स्वाद। ये आपके दिल तक ज़रूर पहुंचने वाली रेसिपी है, आपके हृदय तक पहुंचने वाली रेसिपी है, और आप जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करने वाले हैं, मुझे विश्वास है। अगर आप ये रेसिपी देखते हैं ना तो ये आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया में इसे जहाँ भी जिस भी सिटी में किसी देश में जहाँ पर भी वीडियो को देखा जा रहा है उसका यही निवेदन है कि ट्राई करें और ज़िंदगी का आनंद लें और अपने घर वालों को बनाए खिलाएं। इम्मी जैक के स्टाइल में ये है और भारती गुरनानी के लिए ये सब कुछ बन रहा है। और जिम्मी जो है आज पिकनिक पे जाके आई है, तो पिकनिक पे वो आके थोड़ी थक गई है तो थोड़ा नैप ले रही है, और भारती थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही है, और भी भारती रेस्ट कर रही है, तो फिर मैं इधर से ये चना मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल इमी स्टाइल में तैयार कर रहा हूँ। ये टमाटर को थोड़ा सा हमने इस तरीके से देखे क्या कलर आ रहा है, इधर छोले जो है इधर तैयार है, वो छोला चना मसाला तैयार होने वाला है गजब। दोस्तों इसमें ये टमाटर के साथ आने का नमक भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, एक चम्मच ही ऐड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये जो छोले मैंने उबाले थे ना, और तो इसमें भी नमक डाल दिया था। अब आपको एक सीक्रेट और बताता हूँ, क्योंकि भारती से पूछ पूछ कर जो है मैं सीक्रेट आपको बताता रहता हूँ। अब दोस्तों ये स्वाद आएगा कैसे आएगा, ये स्वाद आएगा कि हम इसे जो है बंद कर देंगे और एक सीटी आने तक वहाँ पे पकने देंगे। एक सीटी आ जाएगी, अभी तेज पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों सीटी ये जो है समथिंग 30 सेकेंड में ये सीटी आने लग गई है। अब मैं इसको सिम कर देता हूँ। ये मसाला पक रहा है, छोले इधर उबले हुए तैयार। दोस्तों सीटी लगने के बाद में जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसका प्रेशर हम जो है निकालेंगे, और प्रेशर निकलेगा तो फिर प्याज और जो है टमाटर का अच्छे से सिक जाए, उसके लिए हमने ये किया था। कितने रिलैक्सेबल आवाज़ है ये काला है ये है वो है कुकर, इसके लिए कोई कमेंट मत करना प्लीज़ दोस्तों, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, नहीं तो फिर बाद में मुझ पर चिल्लाएंगे। ये इसका भाप जो है निकल चुकी है, स्टीम जो है निकल चुकी है। हम इसे इसको ओपन करेंगे, इसमें डालेंगे हम अब इसको तेज पे थोड़ा सा पहले और भुनाई करेंगे इसकी टमाटर और प्याज की, तब तक ये तेल नहीं छोड़ दे। ये देखिए ये तेल जो है छोड़ दिया प्याज और टमाटर ने, लेकिन फिर भी हम इसकी तेज पे भुनाई करेंगे। चार से पाँच मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो है प्याज और टमाटर और बाकी के मसाले तेल नहीं छोड़ दे जब तक, क्योंकि वो जो आपको रेस्टोरेंट वाला जो टेस्ट लाना है ना ढाबे वाला, वो ऐसे आएगा, उसका जो सीक्रेट है ना वो यही है, क्योंकि ये भारती ने बताया अभी अभी मुझे, जिमी एंड मॉमी जिनसे मॉमी ने बताया, जिमी एंड मॉमी चैनल पे। आप लोग जो है अब तक अगर आपने इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी आपको कंटेंट मिलेगा ना, जो भी रेसिपीज़ वगैरह मिलेगी, वो बहुत ही जो है आपको जीवन में खुशहाल कर देने वाली रेसिपीज़ वगैरह आपको पता चलेगी। और जो नई नई ताज़ा खबरें, देश कहाँ जा रहा है, देश चंद्रयान पे पहुँच गया है, और काफ़ी सारे वीडियोज़ यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। और मैं तो इस चैनल के ऊपर एक किस्से मान लो छोटा सा वो हूँ, तो जिमी जो भारती है, जिमी मतलब हमारी बेटी और भारती जी मेरी वाइफ, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है इस मामले में। वो आपके लिए जो है हमेशा समय समय पर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहेंगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तेल जो है छोड़ दिया है इसमें, अब हम इसमें डालेंगे ये छोले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे छोले का पानी, छोले का पानी जो फेंकना नहीं है ना, जो उबलेंगे ना छोले और जो भिगो के आप रखोगे तो साफ पानी में भिगोना है, तो पानी इसमें। अब जो है अब ये तैयार हो चुका है बिल्कुल,
पकने के लिए, छोले जो है ढंग से पके हुए नहीं हो, कुछ कमी रह जाए भीगने में वगैरह, तो अब जो है हम इसे तेज के ऊपर इसमें 2 से 3 सीटी जो है लगाएंगे। और नमक जो है आप एडजस्ट अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे इसमें मैंने 1 चम्मच डाला था, आपने देखा था वीडियो में, तो इसमें मैं 1 चम्मच और ऐड कर रहा हूँ। और आप अपने हिसाब से जैसे भी नमक या मेरे तरीके से डालें, कम कम तो ज़्यादा नहीं होगा, कम रहेगा तो और बाकी डाल सकते हैं इसमें नमक, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया ना तो फिर कोई खाएगा नहीं इसको। तो फिर अपन ऐसे करते हैं, ढक्कन लगा देते हैं 2 से 3 सीटी बाद में। दोस्तों अब समय आ चुका है आपको जो है बड़े सिगरेट बताने का। ये जो है छोले बिल्कुल जो है, आप पहले भी ये काम कर सकते हैं, जो टेस्ट जो चेंज करना है आपको, ढाबे वाला जो लाना है, तो छोले जो है थोड़े से हमने इसको बिल्कुल क्रश करके इसको आप ऐसे करके डालेंगे ना, तो फिर वो ढाबे वाला टेस्ट आपकी सब्ज़ी में आएगा, क्योंकि यही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से आप उंगलियां चाटते रह जाते हैं और मज़ा लेते हैं चना मसाले का रेस्टोरेंट एंड ढाबा स्टाइल में। दोस्तों इसमें काली मिर्ची ज़रूर ऐड आपको करना है, काली मिर्ची पाउडर हमने करी हुई रखी है, तो काली मिर्ची जब डालते हैं तो इसका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है, दुगना नहीं तिगना हो जाता है। और लास्ट में जो है चना मसाला, इसकी जान है हरा धनिया, हरा धनिया तो हर एक उसमें आप डाल सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार हो चुके हैं चना मसाला ढाबा एंड रेस्टोरेंट स्टाइल में, देख सकते हैं। इसकी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा, सब्ज़ी की जो सूरत देख के, कि भाई मज़ेदार सब्ज़ी हमने बनाई है। और इसका मज़ा लेने के लिए अब देखते हैं क्या डिसाइड होता है। इन हाथों ने बनाई है दोस्तों ये सब्ज़ी, इन हाथों ने, एक लाइक तो बनता है। तो लो जी गाइस, बन गया मार्केट जैसा चना मसाला। आप इसको खाएंगे ना आपको इतना मज़ा आ जाएगा। आइए अब हम इसे अपने डिनर के लिए परोस लेते हैं। तो भाई लगा रहे हैं हम अपनी प्लेट, और आप देखो, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है ना। ज़रूर बनाना, बहुत मेहनत की है जिम्मी के पापा ने ये रेसिपी बनाने में, और इतने स्वादिष्ट बने ना, इतने स्वादिष्ट। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो वापस से मेरे मुँह में देख के पानी आ रहा है, और जबकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही खाना खाया है, और वापस ऐसा लग रहा है कि हाँ भूख तो नहीं है बट मेरा मन नहीं भरा है। इतने टेस्टी ये बने कि मैं क्या बताऊँ आपको। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और जैसे मैं खाना बनाती हूँ, जिमी के पापा भी राजस्थानी क्यूजीन में, उनको भी महारत हासिल है, तो मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ उनसे, राजस्थानी भी बहुत सारी, आपको आगे दूंगी। फिलहाल ये चना मसाला मार्केट स्टाइल इन्जॉय कीजिए और मुझे बताना कि कैसा लगा। और चलो भाई साहब, इसमें निचोड़ लिया मैंने नींबू, क्योंकि बिना नींबू के तो यार चना मसाला का मज़ा ही नहीं है। और आपको लगे कि ग्रेवी थोड़ी पतली है, तो हमारे यहाँ थोड़ी ग्रेवी पतली खाते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा है। और आपको बिल्कुल ही ड्राई खाना है चना मसाला, तो आप इसको सुखा लेना पानी को, ठीक है। मगर जो स्वाद आएगा ना, आप यानी भूल नहीं पाएंगे स्वाद। और ये बाइट आपके लिए पहले गाइस ले लीजिए और खा के बताइए कैसा है, काश मैं आपको खिला पाती। और ये गई बाइट जिम्मी के पापा के मुंह में, और भाई देखिए कितना मज़ा आ रहा है इनको खाने में, खुद की रेसिपी खा के खुद ही मज़ा आ रहा है, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इतने अच्छे चना मसाला कैसे बना दिए। ये छाछ भाई, हमारे राजस्थानियों का खाना बिना छाछ और बिना हरी मिर्च के नहीं होता है। ये देखिए इनका डांस ही निकल गया खाने के बाद। किस किस का डांस निकल जाता है अच्छा खाना देख के, अच्छा खाना खा के? हैं, हमारे यहाँ तो भाई निकल जाता है डांस, जैसे जिम्मी के पापा का निकल गया था ना। और ये भाई हरी मिर्ची पे हरी मिर्ची, मेरे से तो इतनी नहीं खाई जाती हरी मिर्ची, बट भाई जिम्मी के पापा तो कभी रखेंगे ईटिंग शो इनका, फिर उसमें आप देखना कि क्या हरी मिर्ची खाते हैं। फिलहाल चना मसाला मैं भी इंजॉय कर लेती हूँ, बहुत ही शानदार बना है, अब रुका नहीं जा रहा था, भूख लग रही थी भाई, और हम तो पड़े थे टूट इसके ऊपर। आपको अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपसे अगले वीडियो
मैं बहुत जल्दी मिलूँगी अच्छी अच्छी नई नई इजी रेसिपीज़ के साथ में। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रहें और स्टे ट्यून्ड एंड लव यू ऑल। और बस ऐसे ही खाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, मज़े करते रहिए, यही दुआ है। और अच्छा अच्छा खाना बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, कभी आप बनाइए, कभी अपने हस्बैंड से भी बनवाइए। ऐसे थोड़ी है यार कि आप ही आप बनाएं, हस्बैंड से भी बनाइए और खाइए, बच्चों को मज़े करवाइए।